रहा 5 मिनट का चिकन मसाला और इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। और इसको चाहिए छोटा सा कढ़ाई ले लो, इसमें ऑयल नहीं चाहिए। इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालते हैं, 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। इसको हल्के से फ्राई करके साइड में हटा के रखते हैं। और एक कुकर लेते हैं, कुकर पैन, उसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और इसको गरम करके स्टव ऑफ कर देंगे। और 1/2 किलो चिकन डाला है मैंने, और 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है, और 3 प्याज कटी हुई सी। ध्यान रहे दोस्तों, स्टव ऑफ है, और ये चिली मैंने डाला है फ्लेवर के लिए सिर्फ। और आपको काट के डालना है तो काट के डाल सकते हैं, आप धनिया डाल सकते हैं, करी पत्ता, और इसमें मत भूलिएगा जिंजर और गार्लिक कूट के डाला है मैंने। और इसमें हमने जो हल्के से जो फ्राई करके रखा है हमारा धनिया पाउडर और चिली पाउडर, दोनों को पूरी तरह से डाल देते हैं। और मत भूलिएगा हमारा मेन किंग चिकन मसाला, उसको डाल देते हैं। और 1/2 टीस्पून पेपर भी, और साल्ट आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग, और टमाटर 2 कटी हुई सी। इसको अच्छे से मिला लेते हैं मस्टर्ड का तेल में, और कुकर बंद करके विसल उठा के इसको डालेंगे सिम में बिल्कुल 25 मिनट के लिए, धीरे से कुक होगा। और अभी खोल के देखते हैं, चिकन मसाला इज रेडी। अभी इसको हम एक बर्तन में लेते हैं। वाओ, सो टेस्टी दोस्तों, ये बनाने के टाइम पे तो मुझे मुंह में वाह 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 क्या स्मेल आ रहा था, बाप रे। इसको गार्निश करना तो कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम साथ में खा सकते हैं पराठा के साथ, कुलचा के साथ, चावल के साथ। आज रमजान का इफ्तार का टाइम में भी आप ये पका के, जल्दी में पका के खा सकते हैं। अभी क्या वेटिंग है, जाके बनाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।